टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। ब्रिटिश महारानी के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक, बोले उनकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार राज्य और समाज के खिलाफ एक अपराध। सीएए कानून के खिलाफ याचिकाओं पर 12 सितंबर को सुनवाई, 200 अर्जियों पर विचार करेगी सीजीआई की बेंच। बाबूलाल मरांडी का दावा, नाबालिग आदिवासी लड़की का हत्यारा बांग्लादेशी, पुलिस जानबूझकर छुपा रही है सच्चाई। चौबीस के लिए ममता ने किया गठबंधन का ऐलान, भाजपा के खिलाफ लड़ने नीतीश, अखिलेश और हेमंत का नाम लिया। हिसाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, वकील इस्लाम की अनिवार्य प्रताव के बारे में बताते रहे। दिल्ली में तिरंगे का अपमान, शख्स ने भारतीय ध्वज से की स्कूटी साफ, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आतंकी याकूब की कब्र से पुलिस ने हटाई लाइटिंग, भाजपा ने उद्धव से किया था सवाल, गुनाहगारों को इतना सम्मान क्यों। ओडिशा में क्यूआर सैम मिसाइल का परीक्षण सफल, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की टेस्टिंग। महाराष्ट्र में बारिश बनी मुसीबत, कई इलाकों में पानी में डूबी गाड़ियां, ट्रेनें रुकी, नासिक में सैलाब में फंसी बस। पीएम मोदी ने किया सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन, बोले गुलामी का प्रतीक राजपथ अब कर्तव्य पथ बन गया। नेताजी के कार्यक्रम में बुलाने के तरीके पर भड़की ममता, बोली क्या मैं इनकी नौकर हूं। बिहार के सीवान में महावीर अखाड़ा शोभा यात्रा पर पथराव, 12 घायल, असामाजिक तत्वों ने फेंके ईंट पत्थर। बांग्लादेश पीएम शेख हसीना ने जयपुर में किया डांस, 30 मंत्रियों के साथ अजमेर दरगाह में जियारत की। लंपी से राजस्थान में 46,000 गायों की मौत, देशभर में 15 लाख से अधिक गाय संक्रमित। महाराजगंज में नशीली दवाओं के साथ एक गिरफ्तार, भारत से नेपाल ले जा रहे थे दवाओं की खेप, एक भागने में रहा सफल। सीतापुर में शराबी युवक ने लगाई नहर में छलांग, बैंक का कर्ज न चुका पाने से था परेशान। रात में घुसकर युवक की हत्या, मेरठ में सुबह परिजनों ने हत्यारोपी के घर में लगाई आग, गांव में भारी फोर्स तैनात। अमरोहा में युवक को लात घूंसों से पीटा, बचाने की जगह वीडियो बनाती रही पुलिस।
बलिया में ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत। रेलवे ट्रैक पर बैठकर मोबाइल पर बात कर रहा था। झांसी में असिस्टेंट कमिश्नर का बेटा 8वीं मंजिल से कूदा, मौके पर मौत। माता पिता गमी में शामिल होने गए थे दिल्ली। बीयर देने से मना करने पर लगातार दो रात उपद्रव। वाराणसी के एलजी को बार में पथराव, दो स्टाफ घायल। उन्नाव के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी, बच्चों को दिए पढ़ाई के टिप्स। मिर्जापुर को मिला 3 नया थाना, थानेदारों की हुई तैनाती। जिले में थाना की संख्या 16 से 19 हुई। पाकिस्तान कनेक्शन पर मेरठ का नजर अरेस्ट, सट पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर की गिरफ्तारी। हरदोई में एसपी ने लगाई चौपाल, मॉब लिंची की घटनाओं पर दी जानकारी। सभी थानेदारों को रोज चौपाल लगाने के निर्देश। प्रयागराज में अटाला बवाल मामला, मुख्य आरोपी जावेद अहमद समेत 106 आरोपियों पर 380 पेज की चार्जशीट दाखिल। हाथरस में बिजली चोरी करने वाले गिरफ्तार, मीटर में रिमोट लगाकर करते थे हेराफेरी। विंध्याचल में धाम प्लास्टिक के खिलाफ अभियान, छापे में मिला 4 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक, वसूला गया 5,000 जुर्माना। रायबरेली पुलिस एक्टिव, लखनऊ में हुए हादसे के बाद होटल नर्सिंग होम की जांच की गई, कमियां पाए जाने पर सख्त निर्देश दिए। शोहदे से परेशान दो छात्राओं ने घर में किया कैद, प्रयागराज के किनगंज और शिवकुटी का मामला, दोनों आरोपी फरार। उन्नाव में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, 27 ओवरलोड ट्रकों को किया गया सीज, जारी रहेगा अभियान। आगरा में छोटी छोटी बातों पर थाने पहुंच रहे परिवार, पहले लगाते हैं गंभीर आरोप, काउंसलिंग होते ही करते हैं समझौता। सुल्तानपुर में डीएम से बोले कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष, रात को दबिश देकर पुलिस ने तोड़ा दरवाजा, दो बच्चों को उठाया। सीएम योगी की सुरक्षा में चूक, जौनपुर में काफिले के सामने आए युवक ने दिखाए काले कपड़े। कानपुर देहात में सड़क हादसे में सिक्योरिटी गार्ड की मौत, ट्रक चालक फरार, ढाबे पर काम करता था मृतक। गोंडा के डीएम आवास में घुसा तेंदुआ, सीसीटीवी में कैद हुआ, 10 मीटर तक बाउंड्री वॉल पर टहला फिर अंदर कूदा। चित्रकूट में कुएं में गिरने से युवक की मौत, भैंस को पानी पिलाते समय भैंस ने मारा धक्का, कुएं में गिरा युवक। मुजफ्फरनगर में नवजात की मौत पर हॉस्पिटल में हंगामा, सर्जन ने लापरवाही का आरोप लगाकर की मारपीट। प्रयागराज में बच्ची चोरी का आरोप, पब्लिक ने जमकर पीटा, रिश्तेदार बोले मानसिक रोगी है युवक।
महिला सिपाहियों ने वर्दी में बनाई रील, एडीजी ने दोनों महिलाओं को किया सस्पेंड। बालमन में पलेगी अपराध से नफरत, मुजफ्फरनगर में 2 वर्ष चलेगा स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम। सर हमारी पीठ पर हाथ फेरते थे, मुरादाबाद में टीचर की गंदी हरकतों से अभी तक सहमी है छात्राएं। सहारनपुर में होमगार्ड पति को पीट पीट कर मार डाला, लाश के बगल में लेटा रहा पति, पुलिस से कहा हत्या नहीं करना चाहता था। मथुरा में सहकारी बैंक में चोरी, दिन दहाड़े कैश काउंटर से उड़ा 10 लाख रुपए, चोरी की वारदात से बैंक में मचा हड़कंप। बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा, ब्रह्मपुरी आश्रम के पास खाई में गिरी मुंबई के यात्रियों की टैक्सी, 4 की मौत। सीएम धामी बोले हम लिखने जा रहे हैं 12 ड्राफ्ट को लेकर समिति अध्यक्ष के इस बात से लगा चर्चाओं पर विराम। उत्तराखंड में परमार्थ निकेतन आज से 3 दिवसीय सम्मेलन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 24 घंटे 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। केदारनाथ यात्रा में अब तक 10 लाख यात्री कर चुके हैं दर्शन, दीपावली तक हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग फुल। उत्तराखंड में वेब पोर्टल हुआ लॉन्च, एक क्लिक पर 1 करोड़ लोगों को संदेश भेजकर मांगेंगे सुझाव। उत्तराखंड में संवाद के मंथन से निकला पंचामृत, हिमालय इंडिजिलेंस को विकसित करने की उठी आवाज। पीएम मोदी से दिल्ली में मिले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्य के विषयों को लेकर 45 मिनट तक हुई चर्चा। उत्तराखंड में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को मिलेंगे 2 करोड़ पुरस्कार राशि के लिए शासन देशा जारी। उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे पर लगे गंभीर आरोप, कहा मैं आरोपियों की जांच की तैयारी। दून अस्पताल में जल्द स्थापित होंगे नेत्र बैंक, नेत्रदान से 2-3 व्यक्तियों की जिंदगी में हो सकता है उजाला। उत्तराखंड में स्मार्ट इलेक्ट्रिक बस से कीजिए सस्त धारा तक का सफर, आईसीबीटी से शुरू की गई 5 बसों की सेवा। पेपर लीक मामले में मूसा को गिरफ्तार करने से चूके एसटीएफ, अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करेगी विजिलेंस। रुड़की में इंटरनेट मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले 9 गिरफ्तार, शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा। उत्तराखंड में स्वच्छता समितियों से हटाए जाने से भड़के सफाईकर्मी, कूड़ा घर में तब्दील हुआ कोटेदार शहर। अमेरिका में आम लोगों के बाद अब भारतवंशी सांसद को धमकी, फोन पर कहा गया अपने देश लौट जाओ।
राजनाथ और जयशंकर ने की जापान के पीएम किशिदा से मुलाकात, शांति व स्थिरता में निर्णायक भूमिका पर जोर। ऑस्ट्रिया के वोल्कर टर्क यूएन मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख महासचिव गुतेरेस ने किया ऐलान। यूएस पर फिर बरसे किम जोंग उन, बोले उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों और मिसाइलों को कभी नहीं छोड़ेगा। यूक्रेनी बलों ने रूसी सेना से छुड़ाया 400 वर्ग किलोमीटर का इलाका, बलकाइलिया पर किया नियंत्रण। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन, स्कॉटलैंड के बालमोरल कौसल में 96 साल की क्वीन ने अंतिम सांस ली। चार्ल्स III बने ब्रिटेन के नए किंग, 2.23 किलो सोने का मुकुट, 70 साल बाद ब्रिटेन का राष्ट्रगान बदलेगा। अर्जेंटीना में एंकर ने मनाया महारानी की मौत का जश्न, ताली बजाते हुए जताई खुशी, कहा आखिरकार नरक चली गई बुड्ढी। गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने लगी चीन और भारत की सेना, दोनों देशों की सेनाओं ने की घोषणा। बाइडेन ने ट्रंप का फैसला पलटा, अमेरिका ने पाकिस्तान को फाइटर जेट F-16 प्रोग्राम को जारी करने के लिए $45 करोड़। ओगिल्वी की ग्लोबल सीईओ बनी देविका बुलचंदानी, भारतीय मूल के सीईओ की लंबी लिस्ट में शामिल। वोडा आइडिया में हिस्सेदारी ले सकती है सरकार, कंपनी ने ₹10 के भाव पर हिस्सेदारी लेने का दिया ऑफर। एप्पल के नए फोन और वॉच लॉन्च, कंपनी ने आईफोन 14 सीरीज के 4 मॉडल पेश किए। सैमसंग ने एप्पल पर साधा निशाना, आईफोन 14 सीरीज के लॉन्च होने पर बोला जब फोल्ड हो तो बता देना। अगस्त में गाड़ियों की रिटेल बिक्री 8.31% बढ़ी थी, व्हीलर सेगमेंट में दिखा 83.14% की ग्रोथ। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले, ग्रेड लैंड लीज में बदलाव को मंजूरी, 35 साल के लीज पर ले सकेंगे जमीन। कोलकाता एयरपोर्ट पर दुबई जा रहे व्यक्ति से $11.87 लाख बरामद, AIU टीम ने की कार्रवाई। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव संसद में करेंगे पेश, अमेरिका दौरे पर बोले पीयूष गोयल। SBI उपभोक्ता फोरम ने चेक अस्वीकार करने के मामले में बैंक पर की कार्रवाई, ₹85,000 का जुर्माना। RBI के डिप्टी गवर्नर बोले डिजिटल ऋण से जुड़े नियम ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। सितंबर को T20 वर्ल्ड कप टीम का होगा ऐलान, बुमराह और हर्षल को देना होगा फिटनेस टेस्ट। साउथ अफ्रीकी स्टार गेंदबाज ने लगाए बप्पा मोरिया के नारे, फैंस के चेहरे में छाई खुशी।
संन्यास के बाद सुरेश रैना कानपुर में खेलेंगे पहला मैच। सचिन, युवराज और यूसुफ के साथ 3 घंटे तक की प्रैक्टिस। ऑस्ट्रेलिया का वनडे सीरीज पर कब्जा, दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 113 रन से हराया। विराट के ओपनिंग करने के सवाल पर बोले केएल राहुल, कहा तो क्या मैं खुद बाहर बैठ जाऊं। नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय बने। ग्रीन पार्क हॉस्टल के खिलाड़ियों ने सचिन, यूई को किया बोल्ड, एंटनी ने लगाए गणपति बप्पा मौर्या के नारे। विराट से हारा अफगानिस्तान, 3 साल बाद कोहली का शतक, 182 रन की पारी खेली अफगान टीम, 111 रन ही बना पाई। विराट कोहली ने किया 1020 दिन के लंबे इंतजार को खत्म, 71वें शतक जड़ मनाया जश्न। आसिफ अली और फरीद अहमद पर आईसीसीआई का बड़ा एक्शन, मैच फिक्स में 25% जुर्माना लगाया। पति की सेंचुरी के बाद अनुष्का ने शेयर किया नोट, बोली हर सिचुएशन में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हनी सिंह और शालिनी तलवार का हुआ तलाक, साकेत फैमिली कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई। थैंक गॉड का ट्रेलर हुआ रिलीज, चित्रगुप्त के रोल में नजर आएंगे अजय देवगन, सिद्धार्थ के साथ खेलेंगे गेम ऑफ लाइफ। कर्तव्य पथ के उद्घाटन में पहुंची कंगना रनौत, बोली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राह पर कई पीढ़ियां चलेंगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किए बप्पा के दर्शन, अपनी मां के साथ ट्रेडिशनल लुक में आई नजर। अल्लू अर्जुन के लिए स्क्रिप्ट तैयार करें सुरेंद्र रेड्डी, रेस गुर्रम के बाद अल्लू के साथ फिर काम कर सकते हैं डायरेक्टर। करीना कपूर का वर्कआउट वीडियो हुआ वायरल, योगा करती दिखी एक्ट्रेस, फैंस ने की तारीफ। दस साल बाद रिलीज हुई धनुष की फिल्म 3, बॉक्स ऑफिस पर मचा रही है धमाल। कपूर आयान मुखर्जी ब्रह्मास्त्र की रिलीज से एक दिन पहले किया बप्पा का दर्शन। फिलहाल के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।